अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू द यूसुफ रिज़वी चैनल। और आज मैं बात करूंगा ब्रिटिश एयरवेज के बारे में। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान किया है कि वो अपने ट्रैवल को रिड्यूस कर देंगे। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स एटलीस्ट 15 डेस्टिनेशंस के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दी, जिनके अंदर मेजर डेस्टिनेशंस एशिया के अंदर है सियोल, बैंकॉक और अदर डेस्टिनेशंस। अगर आप कवर करें तो उन्होंने कुछ डेस्टिनेशंस यूरोप के अंदर भी कम किए हैं और अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज दे फील के नेक्स्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वापस अपने लेवल पे नहीं आएगी। आई मस्ट ऑल्सो मैंशन कि लास्ट ईयर जो ब्रिटिश एयरवेज था उसका जो फर्स्ट 6 मंथ्स का रिजल्ट आया उसने £4 बिलियन का नुकसान किया। नाउ ऑन द अदर फ्लिप साइड, अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो क्रिसमस की बुकिंग्स हैं वो निस्बतन बेहतर हैं और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हैं। तो क्रिसमस आने वाला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल करेंगे, फैमिली से मिलने पाकिस्तान लोग आएंगे, पाकिस्तान में छुट्टी होने की वजह से लोग पाकिस्तान भी आएंगे और यहाँ से लोग बाहर भी जाना चाहते हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस देखना चाहते हैं। मगर अंदर यूरोप के अंदर और अराउंड द वर्ल्ड जो लोग क्रिसमस पे ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उन लोगों के अंदर जो बुकिंग बन रही है वो भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज द ट्रेंड दैट पीपल आर, एज सून एज फाइजर की वैक्सीन अप्रूव हो गई है, मॉडर्ना की वैक्सीन अप्रूव हो गई है, इन दोनों के बाद हमने ये फील किया कि लोग ट्रैवल की बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो गैटविक एयरपोर्ट है, इजी जेट जो है अपनी फ्लाइट्स वहां से इंक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से नजर आता है कि उनको नजर यूज करने लगे हैं वो लंदन गैटविक, उनका मेजर हब है जहां से वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद से अब ये नजर आएगा कि इजी जेट ये फील कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर टूरिज्म काफी हद तक वापस आ जाएगा। सो व्हेनेवर वी सी कि देयर इज अ फ्लिप साइड जहां ब्रिटिश एयरवेज ये सोच रहा है कि उनका ट्रैवल और टूरिज्म और नेक्स्ट ईयर की डेस्टिनेशंस उस हिसाब से नहीं आएंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को मोस्टली कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपने आप को कल अगले साल तक काफी हद तक बंद रखेगा। तो इसके बाद लेट्स होप हाउ थिंग्स इंप्रूव। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन हाउ एवरीथिंग इज। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।